मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच कालाबाजारी की घटनाएं कम होती नजर नहीं आ रही है। संकट के समय में रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अब पान मसाला की कालाबाजारी की घटना सामने आई है, जहां इंदौर में एसडीएम ने ग्राहक बनकर डबल रेट में पान मसाला बेचते आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस प्रशासन ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में इंदौर के राजेंद्र नगर थाना प्रभारी अमृता सोलंकी ने ऑक्सीफ्लोमीटर का स्टिंग ऑपरेशन कर कांग्रेस नेता को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। वहीं शनिवार की रात एसडीएम अक्षय मरकाम एक्शन में नजर आए। दरअसल एसडीएम को सूचना मिली थी कि विजयनगर क्षेत्र में पान मसाला की कालाबाजारी कर कई गुना दामों में ग्राहकों को बेचा जा रहा है। सूचना के आधार पर एसडीएम ग्राहक बनकर गुटखा कारोबारी शैलेंद्र जैन के घर पहुंचे, जहां मोटे दामों में गुटखा, पान मसाला और सिगरेट बेचने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मौके से करीब 20 लाख रुपए का तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और हुक्का फ्लेवर आदि जब्त किया। संपूर्ण इंदौर में अभी कोरोना कर्फ्यू लागू है, जो कि एक तरह का लॉकडाउन ही हम कह सकते हैं वो है, और प्रशासन के द्वारा जो भी अवैध चीज़ें चल रही है उसके ऊपर माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में सतत कार्रवाई चल रही है। उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज हमें कुछ दिनों से कंप्लेन मिल रही थी कि विजयनगर में एक शख्स है जो अपने घर से ही अवैध पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, हुक्का, इन सब चीज़ों का अवैध संचालन कर रहा है और लोगों को ब्लैक मार्केटिंग करके ज़्यादा रेटों में बेच रहा है। उस पर ही आज मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन टाइप का करते हुए ग्राहक बनके यहाँ पे आया था, और यहाँ पे ये डबल से ट्रिपल रेट में और इसके घर में पूरा मतलब स्टॉक करके रखा है इसने, जो कि अराउंड आपका 20 लाख का सामान होगा। तो इसको हमने रंगे हाथों आज पकड़ा है और उस पर कार्रवाई करते हुए सामान को अभी हमने जब्त किया है, सील किया है, इसका आकलन किया जाएगा। GST और जो हमारा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों को बुला करके और अभी इसको हम लोग 151 के तहत थाने ले जा रहे हैं और आगामी कार्रवाई होगी इसमें। फिलहाल कोरोना कर्फ्यू के दौरान कालाबाजारी करने वाले गुटखा व्यापारी के खिलाफ 151 के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में लिया है। वहीं प्रशासन की इस औचक कार्रवाई से पान मसाला सहित अन्य वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।